23 वर्षों के इस प्रगति में हमारी संस्थान ने हमेशा बच्चों की आवश्यकता के अनुसार लैब और एजुकेशन देने का प्रयास किया है। जैसा बच्चे चाहते हैं या सोचते हैं उसके पहले यह संस्थान उस तरह की लैब और लाइब्रेरी एडवांस बनाने का प्रयास करती है। पहले भी इस इंस्टीट्यूशन में आया था, उस समय इतना डेवलप नहीं था। आज ये पहले इंस्टीट्यूशन था, आज हायर एजुकेशन के लिए हो गया है। नर्सिंग पाठ्यक्रम के सत्र की शुरुआत पटना के अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दानापुर में किया गया। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर कौशल कुमार, डॉक्टर विमल कारक, पूर्व MLC लाल बाबू प्रसाद, डॉक्टर SN सिन्हा, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अरविंद गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दानापुर के छितनवा में इंस्टीट्यूट सत्र के शुभारंभ के दौरान सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2000 से कार्य कर रही है और लगातार 23 वर्षों के इस प्रगति में हमारी संस्थान ने हमेशा बच्चों की आवश्यकता के अनुसार लैब और एजुकेशन देने का प्रयास किया है और साथ ही साथ मॉडर्न लैब बनाया है, हमने लाइब्रेरी मॉडर्न बनाया है जो बिहार की नीड है। जैसा बच्चे चाहते हैं या सोचते हैं उसके पहले यह संस्थान उस तरह की लैब और लाइब्रेरी एडवांस बनाने का प्रयास करती है। यही कारण है कि हमारे बिहार जो अभी विकासशील राज्य है इसमें जब लड़के तुलना करते हैं तो अन्य राज्यों की तुलना में भी अम्बेडकर इंस्टीट्यूट पटना में बेहतर संस्थान पाया जाता है और इस कारण बच्चों का प्रेम और बच्चों का आकर्षण इस संस्थान में है। और आज हमारे यहाँ से हजारों की संख्या में पारा मेडिकल और नर्सिंग के छात्र यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के गवर्नमेंट में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और हमारे यहाँ से पारा मेडिकल और नर्सिंग करने वाला हमारी जानकारी के मुताबिक कोई भी विद्यार्थी बेरोजगार नहीं है। हमारे कॉलेज के द्वारा एडवांस लैब और लाइब्रेरी के साथ ही बच्चों को प्लेसमेंट सेल भी है, जो प्लेसमेंट सेल गवर्नमेंट, प्राइवेट और कॉरपोरेट में होने वाली वैकेंसीज की जानकारी उन्हें देती है, साथ ही साथ उन्हें सपोर्ट करती है कि कैसे उनका प्लेसमेंट हो। हमारा अपना ट्रांसपोर्ट है, अपना हॉस्टल की सुविधा है, यानी जो नीड बेस्ड चीज़ें हैं मिनिमम उसको हम लोग अपर लेवल पर डेवलप किए हैं। हमारी जो हॉस्टल्स है अभी हमारे यहाँ हॉस्टल की कैपेसिटी 400 बच्चों की है और आप अभी आप सामने देख रहे होंगे मेरी हॉस्टल बन रही है जिसमें 2000 विद्यार्थी रह सकते हैं और एक साथ 500 विद्यार्थी खाना खा सकते हैं। आप चाहें तो हमारा डाइनिंग एरिया बना हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे जा करके। ये एडवांस तरीके से हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूशन का, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का, में जो एकेडमिक सेशन का इनॉग्रेशन हो रहा है ये बहुत खुशी की बात है। मैं पहले भी इस इंस्टीट्यूशन में आया था, उस समय इतना डेवलप नहीं था। आज ये पहले इंस्टीट्यूशन था, आज हायर एजुकेशन के लिए हो गया है इंस्टीट्यूशन। और नर्सिंग के में इनका बहुत अच्छा योगदान है। आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि नर्सिंग बैकबोन है मेडिकल ट्रीटमेंट के, हॉस्पिटल का बैकबोन अगर कहा जाए तो ये नर्सिंग स्टाफ है जिसका इंस्टीट्यूशन है, जिनके वो यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट देने का, एजुकेट करने का और एम्प्लॉयमेंट देने का, वो इसका हमारे कौशल बाबू का विजन जो है इनके डायरेक्टर का, ये बहुत फुलफिल कर रहा है और लोगों को एजुकेट करके और शिक्षा दे करके और नौकरी देने का। नौकरी तो सरकार देती है लेकिन उस लायक ये बनाते हैं, लड़के हों ये लड़कियां हों जो भी हो, क्योंकि इनके यहाँ ट्रेड, बहुत से ट्रेड हैं, सिर्फ नर्सिंग नहीं है, दूसरे दूसरे ट्रेड में भी ये इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग देता है। इसीलिए आज का दिन बहुत ही अहम है, चूँकि आज क्लास शुरू हो रहा है, सेशन शुरू हो रहा है और इसीलिए आज ये इस इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ख़ास डे है, जिसको कि मैं इनको बधाई देता हूँ, डायरेक्टर को बधाई देता हूँ, यहाँ के टीचर्स को बधाई देता हूँ। ये लोग
एजुकेशन को, खास करके नर्सिंग पारा मेडिकल्स का जो एजुकेशन है, इसकी बढ़िया से ये लोग बच्चों को पढ़ाएं, स्टैंडर्ड बनाए रखें, और हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, इस ट्रेनिंग ले करके हमारे बच्चे हॉस्पिटल में काम करें, ये हमारी शुभकामना। डेस्टी न्यूज़ के लिए पटना से आलोक कुमार की रिपोर्ट।